ने पिछला वीडियो में यूग्लेनॉइड्स पढ़े थे जो किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर्स हैं, तो आज हम उससे आगे जो उसका एक और मेंबर है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने डायरेक्ट इस बार एनसीईआरटी बुक से ही हमने सोचा कि इसको बताया जाए, क्योंकि आप सबको पता है हम कुछ बताना चाह रहे थे कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो मैं अभी ब्लैक बोर्ड पर नहीं आ रहा हूँ। हालांकि पिछला वीडियो पर मैं आया था, लेकिन जो भी तत्काल संभव नहीं दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग विदाउट एनी डिले हम लोग आ रहे हैं कि एनसीईआरटी स्लाइम मोल्ड्स के बारे में क्या कह रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है वो यहाँ पे लिखा है, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। मीन्स क्या हुआ कि स्लाइम मोल्ड्स जो है वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। मीन्स कि स्लाइम मोल्ड्स जो है वो ऐसे प्रोटिस्टा है जो कि सरे गले पदार्थों पर, सरे गले जीव जंतु जो हैं उस पर ये जन्म लेते हैं, वो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। मीन्स क्या हुआ कि इसका जो बॉडी है, इसका जो प्रादुर्भाव होता है वह जो डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स है, मतलब किसी पौधा का जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं और उसके जो पत्तियां हैं वो जो है जहाँ पे गिरा पड़ा रहता है, सड़ रहा होता है, तो उस पर यह ज़्यादा ग्रो करता है, इसलिए उधर की तरफ ही इसका बॉडी मूव भी करता है। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। एक सुटेबल कंडीशन में, इसके जो फेवर कंडीशन है उसके कंडीशन में जो इसका बॉडी है वो एग्रीगेशन बनाता है, जिसको कि हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो बाद में विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जिसे जो बाद में जाके सेवरल फीट का निर्माण करता है, उसमें विकसित हो जाता है। और यह जब ड्यूरिंग इसका अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जब इसका विषम परिस्थिति आ जाता है, तब इस प्लाज्मोडियम जो है यह डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण कराता है, जो फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स बनाने में मददगार होता है। और यही स्पोर्स, द स्पोर्स पोजेज ट्रू वाल्स, इसमें जो है ट्रू वाल्स हैं और दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट, और ये स्पोर्स जो है वो एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट हैं एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, और काफ़ी सालों तक यह जीवित रह सकते हैं इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, किसी भी विषम परिस्थिति में यह जीवित रह सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, ये जो स्पोर्स है वो एयर करेंट्स के माध्यम से, एयर के तेज बहाव में या स्पोर्ट्स डिस्पर्ज हो जाता है, एक जगह दूसरे जगह जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से हमको बताएं। फिर कोई प्रश्न हो तो आप हमको कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब दूंगा। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।